Hello CA members, my name is CA Rajat Agrawal. I am a Forensic Auditor and a Qualified Information System Auditor. आज हम चालू करने वाले हैं किस तरीके से ये Forensic Auditor बना जा सकता है और Forensic Auditor बनने के लिए हमें क्लियर करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट कोर्स जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन कहलाता है जो कि है FAFD Forensic Accounting and Fraud Detection. इस कोर्स में हम काफी सारे तरीके देखेंगे जिसके थ्रू फ्रॉड्स किए जाते हैं और उनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कौन कौन सी ऑडिट टेक्निक्स यहाँ पे यूज करी जाती है, क्या क्या नए ऑडिट सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है जिसकी मदद से हम इन ऑडिट टेक्निक्स को यूज करते हुए फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये सारी चीजें हम इस पूरे कोर्स में कवर करने वाले हैं. टोटल आपके पास यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स रहने वाली है और हर एक मॉड्यूल्स में अलग अलग तरीके से फ्रॉड्स के बारे में बताया गया है और उनके ऑडिट टेक्निक्स के बारे में बताया गया है. जो पहली मॉड्यूल है जो कि है डाटा एनालिसिस फॉर ऑडिटर्स, हम उस मॉड्यूल से चालू करने वाले हैं. यह हमारा पहला लेक्चर है इस पूरे कोर्स का. तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं फ्रॉड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है. तो हमारे पास एक केस सिनेरियो ये है, क्लाइंट ने हमें 2 डाटा दिया है. पहला है एक एम्प्लॉय की एक एक्सेल शीट मिली है हमें और एक सप्लायर की एक एक्सेल शीट मिली. तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं ये दोनों शीट्स में आखिर क्या क्या है. तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज की शीट है. हमारे पास इस एम्प्लॉय की शीट में एम्प्लॉय का नाम है, एड्रेस है, सिटी है, जिप कोड है और मोबाइल नंबर. उसी तरीके से हमें सप्लायर का डाटा अवेलेबल कराया गया है जो कि है डेट हमें हमारे पास है, सप्लायर का नाम है, यहाँ पे एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, मोबाइल नंबर है, वेंडर आईडी और अमाउंट. तो ये समझ लो हमारे पास एक परचेज लिस्ट है और ये हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट होगी. तो सबसे पहले तो हमने जो हमारे क्लाइंट ने हमें डाटा दिया है हमने उन दोनों डाटा को देखा और समझा कि आखिर है क्या. तो फील्ड नेम पढ़ने से थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टाइप का कुछ डाटा है. अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है. इन दोनों शीट्स में आखिर क्या गड़बड़ हो सकता है और हम क्या ऐसा चीज पता करके दे दे क्लाइंट को जिससे कि यहाँ पे फ्रॉड का पता लगाया जा सके. सबसे पहले हमारे पास सप्लायर का डाटा है और एम्प्लॉय का डाटा है. तो ऐसा क्या हो सकता है दोनों में, क्या चीज ऐसी कॉमन हो सकती है जिसके कारण यहाँ पे कुछ फ्रॉड का एंगल बन सकता है. हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही सप्लायर बनके मटेरियल सप्लाई कर रहा है क्योंकि उसको सारे कोटेशंस पता है किस रेट पे यहाँ पे एक्सेप्ट होना है. तो खुद ही कोटेशंस देता है, खुद ही सप्लाई करता है और खुद ही एक्सेप्ट करता है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका डाटा हमें अवेलेबल कराया गया है तो यहाँ पे हम उस फ्रॉड का पता लगा सकते हैं. तो उस फ्रॉड का पता लगाने के लिए हमें यहाँ पे अभी एक एंगल हमें मिल गया है कि हम इस एंगल पे देखने वाले इस डाटा को कि यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों. तो अब हम देखते हैं फील्ड नेम्स के हिसाब से कि ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में अगर कॉमन निकल गई तो हम एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये आखिर कॉमन क्यों है. तो देखिए स्टेट, सिटी, एड्रेस ये तो काफी कुछ कॉमन हो सकता है पर इसके लिए हम फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकते. तो एक चीज यहाँ पे जो हमें कॉमन दिख रही है वो है मोबाइल नंबर. तो देखिए मोबाइल नंबर ऐसी चीज है कि अगर एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर कोई सप्लायर यूज कर रहा है तो यहाँ पे हमें सेम नंबर तो किसी का हो नहीं सकता दो लोगों का, जो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा कुछ निकलता है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पाए. तो अब हमें पता लगाने की किन किन का मोबाइल नंबर सेम है इन ट्रांजेक्शन्स में, इन एम्प्लॉयज के टेबल से हमें ये पता लगाना है. तो अब हमारे पास बहुत सारे डाटा है, एक एक मोबाइल नंबर को अगर हम इंडिविजुअली चेक करते रहेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पे हम एक्सेल की भी कुछ टेक्निक्स की मदद ले सकते हैं पर एक्सेल फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होएगा कि एक्सेल में ये लैकुना है कि हम ऑडिट एविडेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से हमने पूरी वर्किंग करी है ये हम यहाँ पे फाइनल नहीं कर पाएंगे. इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल, कैट टूल्स की मदद लेने वाले. कैट जो टूल्स है उसमें हम जो आज ये सॉफ्टवेयर जिसकी मदद हम लेने वाले हैं उसका नाम है आइडिया, केस वेयर आइडिया. तो हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं सबसे पहले केस वेयर आइडिया को. इस पूरे कोर्स में हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है ये कैट टूल्स को और इनके सारे फंक्शंस को एक एक करके हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ऑडिटिंग की और फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. आज हम एक डेमो पर्पज से देख रहे हैं तो हम ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो हम सबसे पहले तो हम ये एक केस वेयर आइडिया का जो एक सिस्टम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिस तरीके से विंडो रहता है उसी तरीके से यहाँ पे भी एक विंडो है जिसमें ऊपर में रिबन्स है जहाँ पे अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग टैब्स है जिसकी मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चालू करते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ. तो नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, ये हमारी पहली फॉरेंसिक ऑडिट है जो हम यहाँ पे एक करने जा रहे हैं आज. तो ये हो गया सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया.
अब इस प्रोजेक्ट में हमें उन फाइल्स को जो हमें वर्किंग फाइल्स जो हमें दी गई है क्लाइंट्स के द्वारा उन्हें हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेगा। तो इंपोर्टिंग के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप नाम से एक टूल है जिससे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वेराइटी की फाइल्स XML टेक्स्ट सैप के थ्रू डायरेक्टली ERP डाटाबेस को भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। प्रिंटेबल Adobe PDF फाइल्स भी यहाँ पे इम्पोर्ट हो सकती है। ODBC जो टैली में रहता है, तो टैली या अलग अलग सर्वर्स में रहता है, तो वहाँ से भी डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डायरेक्टली हमारे ऑडिटिंग जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अंदर। एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डीबेस AS400 और यहाँ पे इस तरीके से ये अलग अलग रिकॉर्ड डेफिनेशन एडिटर और इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है सबसे पहले एक्सेल, क्योंकि हमारा जो डाटा है हमें एक्सेल पे प्रोवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे एक्सेल सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पाथ हमें मिल गया है। हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं सप्लायर की एक फाइल, ओपन नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे एक और विंडो आता है जहाँ पे ये पूछता है कि किस तरीके का डाटा है, उसको हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि फर्स्ट रो इज फील्ड नेम। तो ये जो पहली रो थी, हेडिंग थी, वो हमारी फील्ड नेम है, ये हमने यहाँ पे टिक कर दिया। और यहाँ पे इम्पोर्ट एम्प्टी न्यूमेरिक सेल्स है 0, ये भी हमने टिक कर लिया ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। उसके बाद हम ये ओके कर देते। तो ये हमारे पास सप्लायर का डाटा यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है। इसी तरीके से हम एम्प्लॉय का डाटा भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये एम्प्लॉय के डाटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अब हमारे पास दोनों डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब दोनों डाटा जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। ये एक फाइल एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी सारी वर्किंग फाइल्स को यहाँ पे, और ये सारे विंडो रहते हैं जहाँ पे हम वर्किंग कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे डाटाबेस को। उसके बाद यहाँ पे ये डाटा रहता है, उसकी हिस्ट्री रहती है, जो भी हम करते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने इम्पोर्ट किया तो उसकी एक हिस्ट्री वर्किंग पेपर मेंटेन हो गया। इसी तरीके से हम जो वर्किंग करते जाएंगे उसका एक वर्किंग पेपर यहाँ पे मेंटेन होते चल जाएगा। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि हम आगे पीछे भी जा सकते हैं। हम कोई स्टेप में पीछे जाना चाहते हैं कि हमने 10 स्टेप्स पहले क्या किया था और वहाँ से हम अपनी वर्किंग को फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी इस सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है जो कि एक्सेल में पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए अब हमारे पास डाटा अवेलेबल आ गया है, दोनों सप्लायर की शीट आ गई है, एम्प्लॉय की शीट आ गई है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिंक करना है दोनों के मोबाइल नंबर को और कॉमन निकालना है कि कॉमन कौन कौन से मोबाइल नंबर जिनके कॉमन है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टूल अवेलेबल होता है एनालिसिस टैब पे जिसका नाम है यहाँ पे विजुअल कनेक्टर। तो विजुअल कनेक्टर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास सप्लायर का डाटाबेस आ गया है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटाबेस भी ले आता हूँ। ये इस तरीके से एम्प्लॉय का डाटाबेस भी आ गया। अब मेरे को क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे लिंकिंग। हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कि क्या क्या दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे कॉमन चीज जो यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं वो है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की का काम करेगा कि दोनों टेबल में जो कॉमन है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो उसको हमने लिंक कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमें पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं ऐसी रिपोर्ट निकालना जिसमें कि जो मैचिंग हो, मतलब मोबाइल नंबर जिसमें कॉमन हो वही बस दिखे। अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारे पास पूरे सप्लायर का डाटाबेस भी आ जाए और एम्प्लॉय में जो कॉमन है वो भी आ जाए, तो उसके लिए हम ऑल रिकॉर्ड्स इन द प्राइमरी डाटाबेस करते हैं। प्राइमरी डाटाबेस यहाँ पे सप्लायर की शीट है क्योंकि वो सबसे पहले ओपन करी हुई थी हमारे विंडो में। तो हम यहाँ पे अभी चूज करेंगे मैचेस ओनली, ओके। और यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं, जो नया डाटाबेस क्रिएट होगा कॉमन वाला वो है सस्पेक्टेड एंट्रीज। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक नया नाम दे देते हैं सस्पेक्टेड एंट्रीज का और ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ 6 ट्रांजेक्शन्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पे जो सस्पेक्शन है वो क्रिएट हो रहा है। तो सस्पेक्शन यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है कि ये जो मोबाइल नंबर है, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर अवेलेबल है, सेम टू सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे कॉमन यूज किया गया है सप्लायर के द्वारा भी और एम्प्लॉय के द्वारा। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। और अब अगर हमें देखना है कि किस वैल्यू का कौन कौन एम्प्लॉई है, तो यहाँ पे उनके नाम आ गए हैं राम दुलार, द्वारका प्रसाद, सीताराम प्रसाद। तो सीताराम प्रसाद ने 4 ट्रांजेक्शन, मतलब 4 सप्लायर हो सकता है, 4 सप्लायर हो, पर या वो ये भी हो सकते हैं कि एक ही सप्लायर हो जो जिसने 4 ट्रांजेक्शन किया। तो यहाँ पे सीताराम ने IT एंड कम्युनिकेशंस कंपनी के नाम से वो सप्लायर बन रखा है और उनके नाम से 4 ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे थे। नेक्स्ट जो 2 ट्रांजेक्शन है जो कि था द्वारका प्रसाद और राम दुलार, तो राम दुलार यहाँ पे
कोहलिक ब्रदर्स नाम से काम कर रहा है और ब्रूस बेरीहिल नाम से काम कर रहा है द्वारका बस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सारे जो सस्पेक्टेड एंट्रीज आ गई, अब हम फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ पे एक फ्रॉड का पता लगा सकते हैं जो कि काफी बड़ा फ्रॉड निकल सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो था कि हम किस तरीके से आइडिया की मदद से फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये सारी की सारी की सारी हमारी वर्किंग पेपर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है कि किस तरीके से हमने ये फाइंड किया। तो सबसे पहले हमने इम्पोर्ट किया था और इम्पोर्ट करने के बाद हमने विजुअल कनेक्टर के थ्रू क्या कैसे क्या कनेक्ट किया है वो सारी चीज भी यहाँ पे वर्किंग पेपर्स में आ जाएगी। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम फॉरेंसिक ऑडिट को कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में हम किस तरीके से इस ऑडिट को करना है और इसकी ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करनी है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें कि हम एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं तो वो भी हम एक बार आइडिया ले लेते हैं। तो देखिए एक्सेल में अगर हमें करना है तो हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज के नेम। तो हम यहाँ पे एक नया कॉलम बना लेते हैं सस्पेक्टेड। तो देखिए अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। तो वी लुकअप क्या करेगा कि इस मोबाइल नंबर को सर्च करेगा इस पूरे डाटाबेस पे, ये एम्प्लॉय के डाटाबेस पे सर्च करेगा और अगर उसे उस डाटाबेस में यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाता है तो उसके नाम को फेच करेगा। पर अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब वी लुकअप का फॉर्मूला जो लगाया जाता है उसका एक नियम होता है, कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। उस वी लुकअप के फॉर्मूले को भी हम डिटेल्स में पूरे कोर्स में देखेंगे, अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कि किस तरीके से इसको करा जाए। तो इस एनालिसिस को करने के लिए हमें यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसको लेके जाना पड़ेगा हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम पे, क्योंकि वी लुकअप उस टेबल के फर्स्ट कॉलम पे ही सर्च करता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू है ये मोबाइल नंबर कॉमा, टेबल एरे है हमारा एम्प्लॉय का टेबल, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड की मदद से हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट से हम अगर हमें टेबल्स को थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो वो कर सकते हैं और F4 से हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो ये हमने F4 से इसको फ्रीज कर दिया, मतलब सारे टेबल्स के सारे फील्ड्स के सामने डॉलर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा टेबल, यहाँ पे फाइनल हो गया। थर्ड स्टेप में रहता है कि हमें कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर को फेच करना है। तो हमें करना है एम्प्लॉय का नाम जो कि है सेकेंड बी कॉलम, तो ये हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2 और उसके बाद हमें किस तरीके का मैचिंग करवाना है, ट्रू एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए हम यूज करेंगे 0 को। इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉट एप्लीकेबल एरर आया, मतलब ये मोबाइल नंबर एम्प्लॉय डाटाबेस में नहीं मिला, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं जिसके थ्रू ये पूरे जितने सेल्स है उसमें ये कॉपी पेस्ट हो जाए और फिर यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं शॉर्टकट Alt-D-F-F, ये फिल्टर आ गया है। अब इस फिल्टर पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सारे जितने भी नाम है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए राम दुलार, द्वारका प्रसाद और सीताराम प्रसाद, ये तीनों नाम यहाँ पे भी निकल के आ गए हैं। और अगर हम इस इनके फ्रॉड्स का टोटल देखें अमाउंट का तो ये फ्रॉड निकल के आता है 77,24,557, यहाँ नीचे में टोटल आपको दिख जाएगा समेशन। इस तरीके से हमने एक बहुत ही एक इजी सा एग्जांपल आज लिया, फर्स्ट लेक्चर था इसलिए हम इजी एग्जांपल्स के साथ चालू कर रहे हैं। इस पूरे कोर्स में हम इसी तरीके से बहुत सी नई नई टेक्निक्स यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाली है इस पूरे कोर्स में। तो बने रहिए मेरे साथ इस कोर्स में फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। थैंक यू सो मच।